हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक मैं बहुत स्पेशल सेशन लेकर आया हूं और मैं इस वाले सेशन में आप लोगों से जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जो आई एम श्योर आप लोगों को आते होंगे। अगर नहीं भी आप लोगों को आते हैं तो जब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, जब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो शायद आप लोगों को उनका आंसर पता पड़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के कई बार रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम में आप लोगों के पूछे जा चुके हैं, तो आई होप आप लोगों को इनका आंसर पता होगा। नहीं पता होगा तो दोस्तों आप लोगों को पता पड़ जाएगा। चलिए ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जैसे आप लोगों को पता है मैथ्स में आप लोगों को पता है 60+40 यानी 60+40 आप लोगों का 100 होता है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि बायोलॉजी में यानी जीव विज्ञान में 60+40 कितना होगा। अब आप लोग बोलेंगे सर बायोलॉजी हो केमिस्ट्री हो 60+40 तो 100 ही होगा। बिल्कुल होगा, मैं इसमें आप लोगों को मना नहीं कर रहा, बट बायोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जहां पर 60+40 करके 100 नहीं होता, कुछ और होता है। तो कितना होता है ये आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। ये हो गया आप लोगों का पहले नंबर का क्वेश्चन। और इसके लिए आप लोगों को कुछ हिंट चाहिए होगी, तो मैं आप लोगों को हिंट यहीं पर देखो इस डायग्राम में मैंने बता दिया, बहुत सारी यहां पर सेल्स है, तो ये मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया। चलिए सेकेंड नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों ने बहुत बार पक्षी को उड़ते हुए देखा होगा, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि पक्षी जिस हाइट पे उड़ता है, आप लोगों को जैसे मान लीजिए एक्चुअल में हम लोग मान चलते हैं 100 मीटर की हाइट पे उड़ रही है, तो क्या आप लोगों को 100 मीटर ही नजर आता है या फिर आपको लगता है कि नहीं 100 मीटर की ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा है वो, या 100 मीटर से कम ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो आप लोगों को बस कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आप लोगों को जो पक्षी की ऊंचाई दिखती है वो रियल से ज्यादा दिखती है या कम दिखती है। और इसके साथ में एक क्वेश्चन और आप लोग मर्ज कर लीजिएगा, एयरप्लेन के साथ में भी आप लोग बताइए कि जिस हाइट पे आप लोगों को वो प्लेन दिख रहा है वो एक्चुअल हाइट है, मतलब या आप लोग को एक्चुअल से ज्यादा पे नजर आ रहा है या एक्चुअल से कम पे नजर आ रहा है। तो ये आप लोगों का सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो गया जिसका आप लोगों को आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, और प्लीज इसका आप लोग साथ में एक्सप्लेनेशन भी दीजिएगा। चलिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोगों ने टमाटर सभी ने खाए होंगे, ठीक है, आप लोगों के घर में शायद ही कोई ऐसी सब्जी होती होगी जिसमें टमाटर यूज नहीं होते होंगे, मैक्सिमम में आप लोगों के टमाटर का इस्तेमाल होता ही होता है। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला टमाटर सब्जी का इस्तेमाल होता है, तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि क्या टमाटर आप लोगों का सब्जी है या फल है, ये आप लोगों को बताना है। और अगर सब्जी है तो क्यों है, फल है तो क्यों है, तो ये आप लोगों को बताना है। इसके साथ में मैं एक क्वेश्चन और मर्ज कर देता हूँ। आप लोगों ने करेले भी बहुत खाए होंगे, आप में से बहुत अच्छे लोग तो ऐसे भी होंगे जो करेले का जूस भी पीते होंगे, और करेले का जूस आप लोगों के लिए बताया बहुत लाभकारी होता है। तो वो चलो बात की बात है, बस आप तो मुझे ये बताइए करेला जो है वो एक फल है या सब्जी है, तो दोनों का आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में। दोस्तों आप लोग यहां पर सामने एक मॉस्किटो यानी मच्छर देख रहे हैं। आप लोगों को पता है जो टीथ होते हैं ना एनिमल, बहुत से जीव के पास में पाए जाते हैं, जैसे आपके पास में भी टीथ होते हैं, हाथी के पास में भी होते हैं, शेर के पास में भी होते हैं, कुत्ते के पास में भी, बिल्ली के पास में, सबके पास में दांत होते हैं। बस आप लोगों को मुझे ये बताना है, जैसे हमारे जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो 32 होते हैं एडल्ट में, आप लोगों को बस ये बताना है मॉस्किटो में कितने टीथ होते हैं। जैसे हमारे 32 होते हैं ना, 16 नीचे 16 ऊपर, वैसे आप लोगों को बताना है मॉस्किटो में कितने टीथ होते हैं, आप लोगों को बताना है। और साथ में इसमें एक क्वेश्चन और मर्ज कर लीजिएगा, जो लॉयन होता है शेर उसमें कितने टीथ होते हैं। हालांकि यहां पर कोई कोरिलेशन नहीं है, बस मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा था तो कंबाइंड करके मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। चलिए चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन यानी फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन पे। आप लोगों ने सभी ने ब्रेड खाई होगी बहुत बार, या पाव भाजी, आप लोग पाव भाजी में भी आप लोग जो पाव खाते हैं वो भी एक प्रकार का ब्रेड ही तो है। तो जब ब्रेड आप लोग बहुत खुले समय तक आप लोग अगर ब्रेड को रख देते हो तो वहां पर आप लोग देखते होंगे कुछ इस प्रकार का, ये ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ आ जाता है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जो ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ आ गया ये है क्या, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि ये जो ग्रीन कलर का जो आया ये ग्रो कैसे करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं ह्यूमंस ग्रो कैसे करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों रिप्रोडक्शन करते हैं ना ह्यूमंस,
तो ये भी रिप्रोडक्शन करते होंगे, तो उस रिप्रोडक्शन का तरीका बताना किस प्रकार करते हैं। जैसे हमारी जो ह्यूमंस रिप्रोडक्शन करते हैं वो तो सेक्सुअली करते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, वैसे आप लोगों को बताना ये रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन थे जो आप लोगों को मुझे बताना है। इसके अलावा मैं बता दूं डेली 1 PM पे मेरी फ्री क्लास चलती है अनअकैडमी पे, आप लोग जुड़िए। अगर जो भी बच्चा इससे जुड़ा हुआ होगा तो आसानी से वो इसका आंसर बता देगा। 1 PM पे मैं आप लोग को साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाता हूं जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल फ्री क्लास होती है, आप लोगों को यहां पर क्लास में रैंक मिलती है। ज्वाइन कैसे करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउन, आप इस टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए साइंस बाय नीरज अंगड़। डेली 1 PM पे मैं क्लास से पहले आप लोगों को लिंक डाल देता हूँ, आप लोग इससे जुड़ जाइए। अगर आप लोग नए स्टूडेंट हो तो एक बार कोड पूछा जाता है तो नीरज 11 लगा के आप लोग इसको अनलॉक कर दीजिए। और दोस्तों रेलवे NTPC ग्रुप डी की बेहतरीन तैयारी के लिए मेरा साइंस का एक बूस्टर सीरीज है, जहां पर आप लोग के सभी प्रकार के क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बिल्कुल इस प्रकार से मैंने आप लोग को सॉल्व करवाए कि आप लोग का हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। 2021 में आप लोगों के जितने भी आप लोगों के पेपर आए हैं उसमें जो साइंस के क्वेश्चन है वो भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि आप लोगों को पता है, इससे आप लोगों को पता पड़ेगा 2021 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब आप लोग रेलवे एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेंगे 6 मंथ का 2500 का है, कोड यूज करेंगे नीरज 11, तो ये आप लोग का 2250 का पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। और नीरज 11 कोड ऐसा नहीं रेलवे एग्जाम के सब्सक्रिप्शन पे एप्लीकेबल है, चाहे आपको SSC का लेना हो, आप लोगों को UPSC का लेना हो, सभी जगह नीरज 11 कोड आप लोगों का एप्लीकेबल है। इन 5 क्वेश्चंस का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, और अगर आप लोग ऐसे सेशन और चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।